तो नमस्ते दोस्तों, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पप्पा के लिए सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो पप्पा के लिए सबसे ज़्यादा हरी चीज़ें पसंद होती हैं। तो आज मैं उन्हीं हरी चीज़ों में से मूंग के लड्डू बनाऊंगी पप्पा के लिए। तो गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में हम मूंग के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये है मूंग, साबुत मूंग लेंगे। तो मूंग को हमने लिया है, धो लिया है, इसका जो कचरा था उसको साफ कर लिया, एक बार धो लिया। अब इसको हमें भिगाना नहीं है, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और इसको हमें भिगाना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ धो के और साफ कर लेना है। धोने से क्या होगा, जो कि इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह होती हैं वो साफ़ हो जाएंगी। इस वजह से सिर्फ हमें धो लेना, धो के बढ़िया से सुखा लेना है। और इसको आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, कपड़े से पोंछ लीजिएगा और ऐसे आप सुखा सकती हैं, नहीं तो हल्के फुल्के धूप में इसको सुखा सकती हैं। बस 5-10 मिनट के लिए, अगर धूप है तो 5-10 मिनट के लिए, नहीं तो फिर आप ऐसे इसमें हवा में, पंखे की हवा में सुखा सकते। फिर कढ़ाई में हम डाल देंगे इसको डायरेक्ट। यहाँ पे हमें घी तेल वगैरह की इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हम धीमी आंच करके भूनेंगे। अब यहाँ तेज़ आंच कर देंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए हमें इसको धीमी धीमी आंच में बहुत ही अच्छी खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। इसका सिर्फ कलर चेंज होना चाहिए, तो कुछ ऐसे जैसे इसका जो ग्रीन है एकदम, इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आने लगेगी, इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इनको भूनना है। तो दोस्तों, मूंग दाल के जब हम कभी भी खाते थे पहले, हमारी दादी बागरी बनाया करती थी, तो हमें बहुत अच्छे लगते थे, टेस्टी भी बहुत अच्छे, लेकिन हमें बनाना नहीं आता था। तो दोस्तों, मैंने भी जब सीखा इसको, मेरे घर में भी जब मैं बनाती हूँ मेरे घर में इसको बहुत ही ज़्यादा और लंबे समय तक स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं। तो कलर जस्ट चेंज हो जाए तो इसको हम निकाल देंगे और निकाल के इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, वही कढ़ाई में लेंगे, उसी कढ़ाई में हम लेंगे 1 कलछी भर के तेल। कलछी मतलब ज़्यादा बड़ी कलछी, अब यहाँ पे हमने 1 किलो मूंग का यूज किया है, 1 किलो मूंग है, जिसमें अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट में लेंगे हम काजू बादाम और किशमिश लेंगे, और इसी तेल में हम डाल देंगे काजू बादाम और किशमिश को, और तब तक हमें भूनना है। अब इसको हमें ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भूनना है, तब तक भूनना है जब तक ये किशमिश थोड़ी सी फूलने लगे, बस उतना ही भूनना है, क्योंकि हमें इसको जलाना नहीं है, जलाने से इसका टेस्ट चेंज। फिर हमने ये लिया है गोंद कतीरा, जो गोंद है तो गोंद को भी इसी घी में डाल देते हैं, तो इसको भी हम भून लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चिपक रहा होगा, तो आप इसका परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये जब चिपकता है उसके बाद जब ये भून जाएगा तो ये ऊपर से फूल जाता है, और आप इसको बिना घी के भी सूखा भी भूंजेंगे तब भी ये फूल के बढ़िया सा हो जाएगा, फिर ये अच्छे से पिस जाएगा। फिर उसी में हम 1 कलछी भर के और तेल डाल देंगे, घी डालेंगे, क्योंकि हम पापा के लिए भी भोग बना रहे हैं और थोड़ा सा घर में भी खाएंगे, इसलिए ये घी से बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ठंडा हो गया है और वहाँ पे कढ़ाई हमने बंद कर दिया है। ठंडा होने के बाद इसको हम बढ़िया से पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के। अब ये ठंडा होने के बाद अच्छे से पीस भी जाता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट बता रही हूँ, इससे अंदाज़ा भी मिल जाता है, बना भी पाएंगे, और मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी फास्ट में बताया है। तो इस तरह से हम इसके सारे जो हमारे मूंग है, मूंग को हम पीस लेंगे, तो बढ़िया से ये आटा तैयार हो जाता है। तो इसको हम एक छन्नी से ऐसे छान लेंगे, या ऐसे भी आप रख सकते हैं अगर बारीक है, लेकिन मुझे लगता है कहीं टुकड़े ना रहें ज़्यादा बोटे, इसलिए हमने इसको छान लिया है। तो छन्नी से जिससे आप आटा चालते हैं उससे भी चाल सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको चाल लीजिए। देखिए छोटे छोटे मोटे मोटे टुकड़े आ गए हैं, तो इसको भी हम उसी में डाल के एक बार और अच्छे से पीस लेंगे। इसका फाइन पाउडर बना लेंगे, जैसे हम आटा बनाते हैं उस तरह से, ये देखिए। तो अब बढ़िया से आटा इसका तैयार हो जाएगा, और ये जब भून जाएगा तो ठंडा होने के बाद पीसिएगा, गर्म में नहीं। फिर यहाँ पे हमने चीनी को भी पीस दिया है। अब यहाँ पे 1 किलो चीनी में हमने करीब 400 ग्राम चीनी रखा है, मतलब 1 किलो मूंग में हमने 400 ग्राम चीनी रखा है। फिर मिक्सर जार लेंगे दूसरा, जिसमें हमने चीनी पीस रखा है, उसी चीनी में हम आधे ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं, और जो हमारा गोंद था उसको भी डाल देंगे, इसी में 2-3 इलायची भी डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। अब इसको भी हमें पीस लेना है, लेकिन इसको हमें ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। दरदरा जब रखेंगे ना तो इसका जब मुंह में टेस्ट आता है तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, इसलिए हमें इसको पीस लें। अब ड्राई फ्रूट में आप इतना ही क्यों लेंगे, आप यहाँ पे आप जितना आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उसको आप मखाना भी यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट जितना पड़ जाएगा उतना ही है और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। यहाँ पर मेरे पास इतने ही थे, मैंने
थोड़े ही रखे हैं। तो फिर हम उसी तेल जो हमने घी डाला था, तो वहाँ पे जो एक कलछी घी में और एक कलछी और मैंने डाला था घी का, थोड़ा सा यूज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब कि जैसे कि थोड़ा सा लगेगा, तो उसमें हम इसको मूंग जो हमने पीस के आटा तैयार किया था उसी उसको हम डाल देंगे। और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी करके हम करीब हमारा 200 ग्राम एक किलो में 150-200 ग्राम हमारा घी लग गया है लमसम पूरा, तो 200 ग्राम के लगभग, कम ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़ा कम ही होगा। और बस इस तरह से जो घी की है मात्रा ना, उसको कम मत करिएगा, घी से ही और भी ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। आप यहाँ पे जो डालडा घी आता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा भून लीजिएगा और धीमी आँच करके भूजिएगा, ज़्यादा तेज़ आँच मत करिएगा, तेज़ आँच से जल जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए हमें धीमी धीमी आँच में अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेना है। अभी मेरे किचन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगी है। फिर तो हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के हम इसमें फ्रेश मलाई डाल देंगे। अब इससे ये मावा का भी काम करेगा और इससे टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा खिल के आएगा, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो इस तरह से उसको भी डाल के धीमी धीमी आंच में पूरी तरह से भून लीजिए। तब भूनने के बाद ये देखिए चिपक नहीं रहा है, पूरी तरह से आटा ये फूल गया है, मतलब ये बहुत ही अच्छे तरह से भून गया है। तो बस इतना ही भून लेना है और धीमी आँच ही रखिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आँच मत रखिएगा। मलाई जो हमारे घर में फ्रेश मलाई होती है उसी को अब यहाँ पे एकदम आँच को धीमा ही वही आँच रहेगा। फिर हम ये जो हमने चीनी पीस के रखी है उस चीनी को भी यहीं पे हम ऐड कर देंगे। अभी हमने गैस को ऑफ नहीं किया है, अभी ऑन है हमारी गैस, तो उसी आँच में, क्योंकि ये थोड़ी सी अब ज़्यादा आँच कर देंगे तो ये हमारी पिघल जाएगी चीनी, तो हमें पिघलाना नहीं है, सिर्फ इनको हमें बनाना है। और यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट पीस रखा था, गोंद को पीस रखा था, उसको भी डाल देंगे यहीं पे। और आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, कलर जो ग्रीन कलर होता है उसको भी, ग्रीन फूड कलर होता है उसको भी डाल सकते हैं, जिससे और भी अच्छा कलर आए। लेकिन हमें यहाँ पे कोई केमिकल कुछ भी नहीं यूज करना है, सिर्फ हमें नॉर्मली से बनाना है। तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट को हमने बचा के रखा था, उसको ऊपर से डाल देंगे, जिससे इसका लुक जो है और भी निखर के आएगा। तो हम इन सबको अच्छे से मिला के बढ़िया से रख लेंगे, भी बढ़िया से इसके लड्डू बनाने जब ठंडा हो जाए तब, और थोड़ी गर्म ही रहेगा तभी से बनाइएगा। तो इस तरह से हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। पप्पा के लिए भोग भी है, इसको स्टोर करके इसको आप 1 महीने तक भी रख सकते हैं, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। बस ये इतना ध्यान रखना है, इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी अगर डाल देंगे तो पानी से ये ख़राब हो जाएगा। तो बस घी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ के ही रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये हरी मूंग को ये लड्डू पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप लड्डुओं को बना सकती हैं। आप दादी, जब आप भी दादी नानी बनेंगी तो फिर आप, जैसे हमें लगता है कि हमारी दादी लोग ये चीज़ बताया करती थी उनके ज़माने में थी, तो हम भी जब बनेंगे तो हमारे भी बच्चे यही बोलेंगे कि दादी नानी तो हमारी ऐसे लड्डू बनाया करती। तो मेरे घर में पर्सनली बहुत ही पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये लड्डू। इस तरह से वो डेली, और इसको आप डेली खाइए, अपने रूटीन में शामिल भी करेंगी, और बना के कोई भी आ जाता है, आपके गेस्ट भी आ जाते हैं, इस तरह से लड्डू आप दे सकती हैं और अपने आप को भी डेली खा भी सकती हैं। बच्चे भी कहीं से आ रहे हैं, आप डेली दीजिए, भगवान को भोग लगाइए। बप्पा के लिए तो स्पेशल है, उनको मूंग की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए से हमने ये लड्डू तैयार किया है। अगर मेरी ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। ओके, बाय एंड टेक केयर।